शिव योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पांचवें दिन पांचवी पूजी गई, नन्हे बालक के लिए नई पोशाकें लाई गई, बालक के गले में भाग्य की देवी युवती पहनाई गई, कलाइयों में काले मोती की नजरोटी पहनाई गई, उनके स्वास्थ्य के लिए गुट्टी का सामान लाया। 12वें दिन बारसा किया गया, बालक को पालने में रखकर सीताबाई साहेब और उदाबाई साहेब ने उनके कान में नाम की फूंक दी, माले राव। माले राव सबके लाडले थे, वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब तो खंडे राव जी जब भी इंदौर रहते रोज शाम को नन्हे बालक से खेलते, बालक भी उन्हें देख खुशी से किलकारी भरने लगता। खंडे राव जी बाबा साहेब के साथ फिर मुहिम पर जाने लगे। उनके अनुपस्थिति में मैं ही राज्य का कार्यभार देखने लगी। होलकर घराने की सत्ता दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। अब अक्सर ही खंडेराव जी और बाबा साहेब युद्ध पर रहते हैं। सैनिकों की रसद की व्यवस्था मैं खुद ही करती। पहले तो कई बार मैं भी उनके साथ युद्ध क्षेत्र में साथ जाती थी, परंतु अब यह कई बार संभव नहीं हो पाता था। माले राव अभी 3 साल के ही थे कि मैं दूसरी बार माँ बनने वाली थी। अब की बार पुत्री हुई और उसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। मुक्ताबाई बहुत ही प्यारी बच्ची थी, खंडेराव जी की बहुत ही लाडली थी। खंडेराव जी कहते, अहिल्या मुक्ता बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। खंडेराव जी और बाबा साहेब युद्ध पर जाते रहते थे। श्रीमंत पेशवा जी के आदेश से बाबा साहेब ने दक्षिण में निजाम और कर्नाटक के युद्धों में मराठों का राज्य विस्तारित किया। उत्तर में मुगलों सहित राजस्थान और बुंदेलखंड तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। बुंदेलखंड के महान शौर्यवान महाराजा छत्रसाल के साथ उन्होंने राजपूतों में भी अपनी वीरता के डंके बजाए। कई राजपूतों राज्यों से चौथ युद्ध क्षति वसूलने के अलावा कई राज परिवारों से पगड़ी बदल भाई और रक्षाबंधन के रिश्ते उन्होंने कायम किए। खंडेराव जी ने बाबा साहेब के साथ होलकरी सेना को युद्ध कौशल में निपुण किया था। वे जब भी युद्ध में शामिल होते थे अपने पराक्रम को सिद्ध करते थे। कई युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की और होलकरी ध्वजा भी फहराई। दिल्ली मुहिम के समय सेना का आधिपत्य खंडेराव जी ने संभाला था। बाबा साहेब के साथ 12 वर्ष की आयु से ही युद्ध में जाने की वजह से खंडेराव जी सफल सैन्य संचालक बन चुके थे। मेरे प्रति वे बहुत सम्मान रखते थे। जब वे मुझे धार्मिक पुस्तकें पढ़ते देखते, दान धर्म करते देखते, प्रजा के सुख दुख में शामिल देखते और साथ ही उनके अनुपस्थिति में राज्य के कार्यभार का संचालन करते देखते, वे हमेशा मेरे प्रति प्रेम और सम्मान जाहिर करते। अब तो वे धर्म में भी रुचि लेने लगे थे। उन्होंने महादेव भारती गुरु नारायण जी को दान पत्र भी दिया था।
वे मुझसे कहते, अहिल्या तुम बाबा साहेब की अपेक्षाओं पर खरी उतरी हो, प्रजा के सुख दुखों की उतनी ही परवाह करती हो जितनी आई साहेब और बाबा साहेब करते हैं। तुम जितनी गृहस्थी के कामकाज में दक्ष हो उतनी ही राजकाज में भी निपुण हो गई हो। सारी धार्मिक गतिविधियां तुम्हारी देख रेख में सुचारू रूप से चलती हैं। हम जब युद्ध में व्यस्त रहते हैं तब युद्ध की सारी ज़रूरतें भी तुम ही पूरी करती हो। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली। बूंदी राज्य का वारिस बनने के लिए गृह कलह चल रही थी, तब बाबा साहेब ने कानूनी तौर पर उमेद सिंह को राजगद्दी दिला दी। खंडेराव जी भी उसमें सहयोगी थे। राजा उमेद सिंह ने इस अवसर पर खंडेराव जी को सम्मानपूर्वक लाखेरी परगना भेंट किया। बाबा साहेब ने उन्हें जयपुर राज्य की विरासत का समाधान करने कोटा भेजा। प्रसिद्ध पवित्र श्री नाथ द्वार तीर्थ में जगत सिंह, दुर्जन सिंह और खंडेराव जी ने माधो सिंह को राजा बनाने का संकल्प किया। खंडेराव जी और माधो सिंह पगड़ी बंद भाई बन गए और ईश्वर सिंह ने भी चौथ वसूल करने गए, लेकिन जब होलकर सेना पहुंची, ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के बादशाह वजीर खां और मीर बख्शी के मध्य अंतर कलह और युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी, तब खंडेराव जी बाबा साहेब के साथ दिल्ली के पास पहुँचे। वहाँ से 7,000 फौजों के साथ सखाराम बापू और गंगाधर तैता के साथ दिल्ली पहुँचे। जब राजा सूरजमल जाट के निर्देश पर राजा जुगल किशोर मिलने आए तो खंडेराव जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बादशाह ने खंडेराव जी को अपने साथ मिलाने के लिए 22,000 अशरफियाँ नजराने के रूप में पहुँचाई, उन्हें वापस कर दिया और जवाब दिया कि मैं पिताजी की आज्ञा से यहाँ मीर बख्शी की मदद और सूरजमल जाट से टकराने आया हूँ। खंडेराव जी अपनी सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़े और रास्ते में जो भी जाटों के गांव मिले उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। आगरा मथुरा के बीच यमुना के दोनों किनारे पर चौकियां छीनकर उन्हें भगा दिया। बारिश का मौसम आ गया था, सैनिकों की गतिविधियां शिथिल पड़ने लगी थी, युद्ध थम से गए थे। बाबा साहेब और खंडेराव जी राजकाज तो देखते ही पर दोनों बच्चों के साथ भी अपना वक्त गुजारते। लेकिन अब वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही बाबा साहेब ने खंडेराव जी के साथ राजपुताना में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, जयपुर के राजपूत राजाओं से चौथ वसूल की। बाबा साहेब ने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल से 2 करोड़ की बकाया चौथ अदा करने की मांग की। सूरजमल जाट 40 लाख रुपये देने ही चाहते थे। अब स्थिति में कटुता उत्पन्न हो गई। बाबा साहेब ने खंडेराव जी को होलकर सेना के साथ दिल्ली की ओर गाजीउद्दीन से मिलकर युद्ध की योजना बनाने और दिल्ली के बादशाह से कुछ तोपें लाने के लिए भेजा। जब खंडेराव जी दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली नगर में भगदड़ मच गई और लोग शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि दिल्ली पर कहीं कहर न टूट पड़े। मुगल बादशाह भी उनके आने से भयभीत था। खंडेराव जी को अपने पक्ष में करने के लिए इंतजाम और इमाद में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि सफदरजंग उस समय युद्ध के मैदान से हट चुका था। इधर मेरी जिंदगी भी व्यस्त होती जा रही थी। दोनों बच्चों की परवरिश, युद्धरत सैनिकों की जरूरतों का ध्यान रखना, प्रजा के हितों के बारे में सोचना, ईश्वर चिंतन करना, राज्य की समस्याएं सुलझाना, यही मेरी दिनचर्या थी। ठंड शुरू हो गई थी। बाबा साहेब ने 4,000 मराठा सैनिकों के साथ
दिल्ली के फरीदाबाद होकर पलवल की ओर प्रस्थान किया। मराठी सेनाओं ने तून के समीप पड़ाव डाला और हाथियों से गढ़ी तोड़कर वहां से कीमती मोती निकाल लाए। अब बाबा साहेब ने जाटों के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया था। जब मराठा सेना भरतपुर, डिंग और कुंभेर किले पर पहुंची तो जाटों ने किलों की दीवारों से मराठों पर तोपों और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। मराठे सैनिकों ने भी उनको डटकर जवाब दिया। दोनों ओर से भयंकर अग्निवर्षा हुई। दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गए तथा बहुत से घायल भी हुए। सूरजमल जाट को अधिक हानि उठानी पड़ी थी। उसे यह आभास हो गया था कि वह बाबा साहेब की सेना से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वह कुंभेर के किले में बंद हो गया। मराठा सेना उस किले के सामने डट गई और बाकी सेना ने जाटों के आसपास के इलाकों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। अधिकांश सेना गांगर सोली तथा नौलखा बुर्ज के बीच मैदान में डटी रही। डिंग कुंभेर दूर के मध्य में मराठा सैनिक नियमित गश्त करते रहे। जाटों के विशाल दुर्गों पर दीर्घ काल तक कढ़ाई से घेरा डालकर दुर्गों में दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा करके या लंबे मार करने वाली गढ़भंजक विशाल तोपों के प्रयोग से ही अधिकार करना संभव था। इसीलिए अब शाही तोपें प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ठंड बढ़ रही थी। खंडेराव जी ने 4,000 मराठा सैनिकों के साथ होडला पर अपना डेरा जमाया। उन्होंने जाट प्रांत के मेवाती जिलों तथा मथुरा तक अधिकार करने के लिए मराठा टुकड़ियों को रवाना किया। मराठा सैनिकों ने पहाड़ तथा जंगलों में शरण लेकर जाटों पर आक्रमण किया और हथीन, जोरू आदि गढ़ियों पर अधिकार कर लिया। सूरजमल जाट का पुत्र जवाहर सिंह उस समय बरसाना में मौजूद था। उसने भयभीत होकर बरसाना से भागकर डिंग में शरण ली। खंडेराव जी ने जाटों के इलाकों पर अधिकार कर वहां अपने थाने स्थापित कर दिए और फिर पुनः नोडल लौट आए। खंडेराव जी के दक्षिणी सवारों ने शिकोहाबाद से जाटों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उनकी चौकियों पर अधिकार कर लिया। भयभीत होकर कोइल से जाट सैनिक भाग गए। गंगुला नामक जाट गढ़ी पर मराठों ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसके बाद खंडेराव जी ने जाटों के घासेरा दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। उस समय तक जाट सैनिकों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। बाबा साहेब ने खंडेराव जी को जल्दी से युद्ध भूमि में पहुंचने का आदेश दिया। खंडेराव जी बाबा साहेब की आज्ञा पाते ही तुरंत कुंभेर घेरे में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जितने भी जाटों के मेवात आदि इलाके थे उनको रोकते हुए कुंभेर घेरे में शामिल हो गए। बाबा साहेब ने इमादुल मुल्क के द्वारा दिल्ली के बादशाह अहमद शाह से कुंभेर किले की दीवारों को तोड़ने के लिए तोप उधार मांगी, किंतु बादशाह ने तोपें देने से इनकार कर दिया। इस पर बाबा साहब को बादशाह पर बड़ा क्रोध आया। उधर हमारी सेना और जाटों की प्रतिदिन लड़ाई होती थी और अनेक सैनिक मारे जाते थे, किंतु युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकल रहा था। बाबा साहेब ने श्रीमंत पेशवा शिंदे सरकारों के साथ 75,000 सैनिक लेकर खंडनी वसूल करने के लिए सूरजमल जाट पर आक्रमण किया था, लेकिन सूरजमल जाट सैन्य शक्ति से बहुत ताकतवर था। कुछ भी निर्णय होते न देख उसने कुंभेरी के किले में शरण ली थी। किला बहुत मजबूत था। सूरजमल जाट को पता था कि कुंभेर दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल है। श्रीमंत पेशवा
सूरजमल जाट पर बहुत क्रोधित थे। कुंभेरे पहुंचकर देखा कि किले के आसपास अच्छी मोर्चाबंदी की हुई थी। किले की दिशा में तोपों का मुंह कर दिया गया था। सूरजमल जाट ने भी किले की सुरक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने भी किले की बुर्ज पर अपनी तोपें तैयार रखी थी। बारूद भारी मात्रा में मौजूद थी। युद्ध का बिगुल जैसे ही बजा, दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो गया। तोपें आग उगलने लगी। किले के आसपास रेत ही रेत थी, इसलिए हमारी सेना तोपों का ठीक से निशाना नहीं बांध पा रही थी। इस वजह से वे जाट सेना को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। 8 दिन ऐसे ही निकल गए, पर बाबा साहेब और खंडेराव जी की मंत्रणा करते कि कैसे कुंभेरी किले पर काबू पाया जाए, पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। न जाट पीछे हट रहे थे, न मराठा सेना। 2 महीने व्यतीत होने को आए। अब बाबा साहेब थोड़े चिंतित दिखाई देने लगे थे। कहीं युद्ध का निर्णय हमारे विपरीत न जाए। उस दिन सुबह से ही मेरा मन कुछ विचलित हो रहा था। कितनी ही आशंकाएं मन में सिर उठा रही थी। जब सुबह स्वामी और बाबा साहेब युद्ध में जा रहे थे, मेरी नज़र स्वामी की नज़रों से मिली। उन्होंने गहरी नज़रों से मुझे देखा, मानो कह रहे हों, अहिल्या अपना ख्याल रखना। खंडेराव जी युद्ध भूमि में निरंतर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हार की आशंका से सैनिक कुछ डरे हुए से थे। युद्ध स्थल से पल पल की खबरें आती रहती थीं। दोपहर का सूरज आसमान में दहक रहा था। मैं और सासू माँ युद्ध के हलचल पर नजर रखे हुए थे। तभी एक सैनिक हमारे शिविर की ओर तेजी से आते हुए दिखा। उसने आकर तेजी से घोड़े की लगाम खींची और लड़खड़ाते हुए सासू माँ के कदमों में रोते हुए झुक गया। रानी साहेब, घात हो गया। छोटे सूबेदार, क्या हुआ मेरे बच्चे को? सासू माँ चीख पड़ी। रानी साहेब, छोटे सूबेदार जी होलकरों के निशान के पास थे। सूबेदार जी अश्वारूढ़ हो उन्हें बारूदी सुरंगों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी घात लगाकर बैठे जाग सैनिकों ने उन पर गोलियों के बौछार कर दी और छोटे सूबेदार जी युद्ध भूमि में शहीद हो गए। सासू माँ हृदय विदारक चीख मारकर बिलक उठी। मैं विस्फारित नेत्रों से अभी भी सैनिक को देख रही थी। मस्तिष्क शून्य हो गया। ये क्या हो गया? हे सिद्धेश्वर, ये कैसा वज्रपात कर दिया मुझ पर? अब मैं बिना स्वामी के जीकर क्या करूं? मेरा सुहाग खंडित हो गया था। मेरे बाल का कुंकू रूट गया था। मेरी धड़कनें रुकने लगी थी। हृदय दुख से फटा पड़ रहा था। मेरे विलाप से दसों दिशाएं भी रो उठी। सासू माँ ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। अगर पूरी रोड़ो नकोस, रो मत मेरी बच्ची। नियति की ये कैसी परीक्षा है? मेरा इकलौता बेटा मेरी गोद सूनी कर गया, लेकिन तुम्हारा तो संसार ही उजड़ गया। लेकिन मेरे आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। सासू माँ की गोद में सिर रखकर मैं फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। आंसुओं का सैलाब था जिसमें मैं बही जा रही थी। कुछ ही देर में मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मैं
मन ही मन कुछ दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। मेरी आंखें शून्य में स्थिर हो गईं। सासू माँ ने मुझे देखा और चिंतित स्वर में बोली, अहिल्या काय झालं पोरी, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने ठंडी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, सासू माँ मैंने निर्णय ले लिया है, मैं स्वामी के साथ सती जाऊंगी। उन्होंने युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त की है, उनको लिए मृत्यु जीवन पर विजय की तरह है। उन्होंने युद्ध भूमि में जीवन देकर अपनी मृत्यु को गौरव दिया है, मैं भी उनके यश में सहभागी होना चाहती हूँ। अहिल्या अगर पूरी काय म्हणतेस, इतना कठोर निर्णय मत लो अहिल्या। तभी बाबा साहेब भारमल दादा का सहारा लेते हुए मेरे शिविर में आए। वो बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो रहे थे। भारमल दादा ने उन्हें बाह पकड़कर मंच पर बैठाया। वो रोते हुए कहने लगे, रानी साहेब, अहिल्या ईश्वर ने ये कैसा अन्याय किया है हम पर, हम सबका आधार छीन लिया। हर पिता चाहता है उसे बेटे का कंधा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मिले, पर आज मुझे अपने ही बेटे की मृत्यु का सदमा झेलना पड़ रहा है। तभी सासू माँ बोल पड़ी, अहो सुनो तो सही, अहिल्या क्या कह रही है, वो हमारे खंडेराव के साथ सती जाना चाहती है। बाबा साहब रोते हुए बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ अहिल्या? जी बाबा साहब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए सती के वस्त्र तैयार करवाइए, सेविका को बुलाकर मेरा श्रृंगार करवाइए, मैं स्वामी के साथ ईश्वर की शरण में जाना चाहती हूँ। बाबा साहब और विवल हो रो पड़े, अहिल्या अब तो तुम ही मेरा खंडेराव हो, खंडेराव भी चले गए तुम भी चली जाओगी तो हम दोनों किसका मुख देखकर जीवित रहेंगे। ईश्वर की इच्छा के समक्ष हमने सिर झुका लिया, पर अहिल्या तुम भी अगर न रही तो हम जीते जी मर जाएंगे, फिर मालेराव और मुक्ता का ध्यान कौन रखेगा, उनको अनाथ कर जाने का तुम सोच भी कैसे सकती हो, वो तो अभी ना समझ है, और तुम सिर्फ मालेराव और मुक्ता की ही माँ नहीं हो, तुम सारी प्रजा की माँ हो, तुम्हारे जाने से सारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। लेकिन बाबा साहेब मेरा धर्म कहता है मुझे पति के साथ सती होना चाहिए। बाबा साहब बोले, अहिल्या इतनी कठोर मत बनो, अब हमारी भी माँ तुम ही हो, अगर तुम न रही तो हम कैसे मालेराव को इतना सक्षम बनाएं कि वो पूरा राज्य संभाल सके। भावनाओं से कर्तव्य कभी भी बड़ा होता है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, रूढ़ियों के आगे अपने कर्तव्यों की बलि मत दो। बाबा साहेब और सासू माँ के आत्मवाद से मैं फिर दुविधा में पड़ गई। एक तरफ धर्म था जिस पर चलकर मैं सारी सांसारिक परेशानियों से छुटकारा पा सकती थी, और दूसरी ओर मेरा कर्तव्य मुझे अपने परिवार और प्रजा के लिए सती जाने का निर्णय वापस लेने को कह रहा था। सासू माँ और बाबा साहेब के अश्रुपूरित चेहरे और मालेराव और मुक्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ मुझे बार बार अपने कर्तव्य याद दिला रहे थे। आखिर कर्तव्य की विजय हुई। मुझे अब अपना व्यक्तिगत दुख सुख भूलकर परिवार और प्रजा की भी माँ बनकर उनके सुख दुख को अपनाना होगा। हृदय कठोर करके मैंने कहा, बाबा साहेब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। खंडेराव जी की अंत यात्रा की तैयारियां
बोझिल मन से शुरू हो गई। उधर आसमान में सूर्यास्त हो रहा था, इधर मेरे जीवन में भी खुशियों का सूरज अस्त हो रहा था। खंडेराव जी के साथ उनकी दो पत्नियां और सात उपपत्नियों ने सती होने की तैयारियां शुरू कर दी। उनके आश्रय में रहने वाली कुछ स्त्रियां भी सती होने जा रही थी। अंतिम यात्रा में बड़ा जन समुदाय पीछे पीछे चल रहा था, सती का जय जयकार हो रहा था। खंडेराव जी का पार्थिव शरीर जब चिता पर रखा, उनके साथ सती होने वाली स्त्रियों ने संपूर्ण श्रृंगार किया हुआ था। हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, सारे दागिने और भाल पर बड़ा सा कुंकू लगाया हुआ था। वे सब खंडेराव जी का शरीर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठी थी। चिता को अग्नि देते ही अग्नि की ज्वालाएं जैसे आकाश छूने का यत्र करने लगी। चिता में हृदय विदारक चीखें सुनाई दे रही थी। उपस्थित जन समुदाय नगाड़ों की गर्जना के साथ सती की जय जयकार कर रहा था। सूर्यास्त के साथ ही चिता की अग्नि भी धीरे धीरे शांत होने लगी। सती के चित्कार अनंत आकाश में विलीन हो गए, पर मेरे हृदय को सती को जलाती अग्नि की लपटें अभी भी झुलसा रही थी। चिता की अग्नि तो शांत हो गई थी, पर मेरे हृदय की ज्वाला किस तरह शांत हो पाएगी नहीं जानती थी। ये शायद नियति की परीक्षा थी जिसमें मुझे खरा उतरना था। हे सिद्धेश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि बाबा साहब ने प्रजा के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें पूरा कर सकूं। दसवें दिन नदी के किनारे खंडेराव जी के तर्पण की तैयारियां चल रही थी। मेरे साथ आए बाबा, दोनों दादा, चारों सासू माँ, बाबा साहेब, तुकोजीराव, भारमल दादा और गंगोबा तात्या भी थे। मेरी नज़रें नदी के निर्मल जल पर ठहरी हुई थी। कितनी शांत लहरें उठ रही थी। मैंने मन ही मन माँ नर्मदा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे माँ, मुझे इतना योग्य बना दो कि मैं अपना सारा जीवन लोक हित के लिए समर्पित कर सकूं। प्रजा के प्रति मेरी निष्ठा कभी कम न हो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारे चरणों में मुझे सदा जगह मिले। पिंड दान की सारी विधि समाप्त हुई, सभी दिवंगतों के नाम से तर्पण किया जाने लगा। स्वामी के साथ जितनी स्त्रियां सती हुई थीं, उनके नाम ले लेकर पुरोहित तर्पण कर रहे थे। लेकिन एक नाम के आते ही पुरोहित जी रुक गए। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पुरोहित जी, आप रुक क्यों गए? पुरोहित जी बोले, यह नाम एक मुस्लिम स्त्री का है, हम उसके नाम का तर्पण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो स्त्री स्वामी को सर्वस्व मान उनके साथ सती हुई है, उसने अपना धर्म निभाया है, अब हमें अपना धर्म निभाना है। चलिए आप उनके नाम का तर्पण कीजिए। हमारे होलकर वंश में किसी के साथ न तो अन्याय होता है न पक्षपात। उसके बाद बिना कुछ बोले मंत्रोच्चार के साथ सभी को तर्पण दिया गया। सती गई सभी स्त्रियों के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर उठा। मेरे मन को और अधिक शांति मिलती अगर उन्हें भी इस प्रथा से मुक्ति मिलती है। हम सूने मन और भीगी आँखों से राजमहल लौट आए हैं।